इनकम टैक्स रेट जैसा कोई वर्ड नहीं है, इसे हम इनकम टैक्स सर्च कह सकते हैं। तो क्या है इनकम टैक्स सर्च? इनकम टैक्स सर्च, जिसे हम आमतौर पर इनकम टैक्स रेट भी कहते हैं, इनकम टैक्स एक्ट में दो शब्दों को डिफाइन किया गया है, पहला इनकम टैक्स सर्वे और दूसरा इनकम टैक्स सर्च। पहले हम बात करते हैं क्या है इनकम टैक्स सर्च। इनकम टैक्स सर्च, जिसे आमतौर पर हम इनकम टैक्स रेट कहते हैं, लेकिन यह इनकम टैक्स रेट नहीं बल्कि इनकम टैक्स सर्च है। इनकम टैक्स कानून का सेक्शन 132 आयकर छापा को डिफाइन करता है, जिसके अनुसार हम किसी भी पर्सन पर कार्रवाई कर सकते हैं, और यह आयकर छापा आमतौर पर कर चोरी के मामलों में किया जाता है। इतना ही नहीं, आयकर छापा के तहत अधिकारी ज्वेलरी, डॉक्यूमेंट्स और अघोषित नकदी इत्यादि को भी जब्त कर सकते हैं। इनकम टैक्स कानून के मुताबिक जब अधिकारी अघोषित नकदी और जब्त की गई संपत्ति को बाहर लाने या उजागर करने की कार्रवाई करते हैं, तो उसे इनकम टैक्स सर्वे कहा जाता है। इस सर्वे का उद्देश्य इंफॉर्मेशन एकत्रित करना है। यह सर्वे इसलिए भी किया जा सकता है कि संबंधित व्यक्ति और बिजनेस ने अपनी लेजर अकाउंट्स को सही तरीके से मेंटेन किया है या नहीं। आयकर विभाग के अनुसार बीएमसी के दफ्तरों में किए गए सर्वे को रेड कहना गलत है, क्योंकि यह एक सर्वे ऑपरेशन किया गया है। आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं क्या है बीबीसी। बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, यह एक हिंदी भाषा में प्रसारित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय समाचार सेवा है, जिसकी शुरुआत 1940 में हुई थी। शुरुआती दौर में यह सिर्फ ऑडियो के माध्यम से ऑपरेट होती थी, लेकिन आज के समय में यह रेडियो के साथ साथ टीवी और सोशल साइट्स पर भी ऑपरेट होती है। इसके वर्ल्ड वाइड यूजर्स भी बहुत अधिक हैं। आइए जानते हैं बीबीसी के दिल्ली मुंबई दफ्तरों में यह सर्वे क्यों हुआ, आखिर इसकी क्या जरूरत थी। आयकर विभाग के अनुसार यह सर्वे वित्तीय गड़बड़ी से जुड़े कुछ मुद्दों की जांच के लिए किया गया है। सर्वे की शुरुआत लास्ट वीक मंगलवार सुबह 11 बजे हुई, जिसमें आईटी अधिकारियों ने बीबीसी के लंदन हेडक्वार्टर्स वाले पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स और इंडियन बिजनेस ऑपरेशन ब्रांच से जुड़े कुछ दस्तावेजों की जांच की। यह सर्वे का पहला दिन था, जिसमें 10 घंटे से भी अधिक समय लगा। न्यूज में यह भी सुनने को मिला है कि यह सर्वे अचानक हुआ है, लेकिन आयकर विभाग ने बताया है कि इससे पहले भी बीबीसी को एक नोटिस दिया गया था, जिसमें उनसे फाइनेंशियल टैक्स डेटा के बारे में डिटेल्स मांगी गई थी। दूसरे दिन भी यह सर्वे लगातार जारी रहा, जिसमें आईटी अधिकारियों ने बीबीसी के इलेक्ट्रॉनिक और कागजी आधारित आंकड़ों की प्रतियां बनाई और उनसे पूछताछ की। इसके साथ उन्होंने बीबीसी के कर्मचारियों से भी पूछताछ की। दूसरे दिन भी किसी को यह मालूम नहीं था कि यह सर्वे आगे कितने समय तक जारी रहेगा, क्योंकि इस सर्वे की टाइम लिमिट वहां मौजूद आईटी टीमों पर निर्भर थी। दूसरे दिन भी यह गुत्थी ऐसे ही उलझी रही। तीसरे दिन भी यह सर्वे लगातार जारी था, जिसमें बीबीसी का एक बयान सामने आया है, जिसमें बीबीसी ने बताया है कि उसके कर्मचारी आईटी अधिकारियों के साथ लगातार सहयोग कर रहे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि यह मामला जल्द ही सॉल्व कर लिया जाएगा। आईटी अधिकारियों ने बीबीसी के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के कर्मचारियों से पूछताछ की और उनसे कई सारे एविडेंस एकत्रित किए। इसी के साथ तीसरे दिन यह सर्वे खत्म होता है, जिसमें लगभग 60 घंटे का समय लगा। लगभग 3 दिन तक चले इस सर्वे से यह सामने आया है कि बीबीसी द्वारा की गई ट्रांसफर प्राइसिंग इनरेगुलरिटीज सामने आई हैं। अब सवाल यह उठता है कि ट्रांसफर प्राइसिंग इनरेगुलरिटीज क्या हैं? आइए जानते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग इनरेगुलरिटीज। जब किसी कंपनी का एक यूनिट दूसरे यूनिट से वस्तु या सर्विस खरीदता या बेचता है, तो इसमें आदान प्रदान नहीं होता है और इसे अकाउंट में चुरा लिया जाता है। इसी को ट्रांसफर प्राइसिंग इनरेगुलरिटीज कहा जाता है। ऐसे विवादों से निपटने के लिए आयकर विभाग ने कुछ नियम बनाए हैं, जिन्हें लेकर बीबीसी पूरी तरह से नॉन कंप्लायंस रहा है। अभी भी लोगों में यह आशंका बनी हुई थी कि एक्चुअल में यह सर्वे था या रेड। इसी को लेकर पत्रकारों ने सूचना प्रसारण मंत्री से कुछ सवाल जवाब किए, जिसमें सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जब भी देश में कोई नियमों को लेकर अनियमितता पाई जाती है, तो समय समय पर आयकर विभाग सर्वे करता रहता है, और यह भी एक सर्वे है जो वित्तीय गड़बड़ी से जुड़े कुछ मुद्दों की जाँच के लिए किया गया है। बीबीसी के इस सर्वे में एक राजनीतिक मुद्दा भी सामने आया, जिसमें कांग्रेस इस सर्वे को बीजेपी द्वारा जानबूझकर की गई रेड कहती नजर आई है। एक कांग्रेस नेता ने कहा है कि बीबीसी द्वारा बनाए